हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पैगाम शिफा टिप्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाला हूं, वो आपके फेस को लाइटनिंग टाइटनिंग एंड वाइटनिंग प्रोवाइड करने की रेमेडी है। आप कैसे अपने फेस को जो है वो ग्लो कर सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही प्यारा लुक आप कैसे अपने फेस पर जो है वो ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच कर लेना है। सिंपल रेमेडी है और बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आपने इसको बनाकर यूज़ करना है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए व्यूअर शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो को। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पैगाम शिफा टिप्स चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को साथ प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलता रहे। तो चलिए व्यूअर शुरू कर लेते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो को। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फेस वाइटनिंग मास्क को बनाने के लिए आपने क्या करना है, ताकि आपका जो फेस है वो ग्लो हो जाए, शाइनी हो जाए और उस पर से पिंपल्स का परमानेंटली तौर पर खात्मा हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने एलोवेरा की जेल ले लेनी है। आप कोशिश करें जो आपके घर पौधा लगा हुआ है उससे आप एलोवेरा का लीफ 2 से 3 लीफ उतार लीजिए और उनकी जेल को आप निकाल कर रख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि एलोवेरा की जेल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आपने इस एलोवेरा की जेल में सेकंड नंबर पर जो चीज़ ऐड करनी है वो है जो एग होता है, उसकी जो सफ़ेदी है, अंडे की सफ़ेदी, उसमें आपने ऐड कर देनी है। फ्रेंड्स, आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करिए। जो आप फेस के लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है वो ये एग है, एग की सफ़ेदी है, अंडे की सफ़ेदी। आप जब इस मास्क में, इस एलोवेरा की जेल में यूज़ करेंगे तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और आपके फेस पर ये ग्लोइंग को लाने के लिए बहुत ही कमाल की एक रेमेडी, ये जो रेमेडी तैयार होगी ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगी और इससे आपका फेस जो है वो लाइटनिंग टाइटनिंग एंड वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा। इसमें जो आपने थर्ड नंबर पर जो चीज़ ऐड करनी है वो योगर्ट है। योगर्ट स्किन वाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये जब आप इसमें ऐड करेंगे, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कोशिश करें कि ये ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इसको आप फेस पर अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा फेस को वॉश कर लीजिए, सादा पानी से वॉश कर लीजिए, और इसको अप्लाई करने के बाद आप फेस वॉश की मदद से भी वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें आप इस मास्क को कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक इसको ज़रूर लगा रहने दें। इससे आपको रियली में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका फेस लाइटनिंग टाइटनिंग एंड वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपके फेस पर जो पिंपल्स होंगे, जो डार्क स्पॉट्स होंगे, वो परमानेंटली तौर पर रिमूव हो जाएंगे और आपका फेस बहुत ही ज़बरदस्त लुक जो है वो प्रोवाइड करने लग पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे कमेंट शॉर्ट इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, हम उस टॉपिक के रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।